रिश्ता कल्चर को लेके माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोग खुद अपने सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ना कि रिश्ता आंटीज के थ्रू या फिर उस चाचा की फूफी की भतीजी को कोई जानता है, नॉट लाइक दैट। तो ऐसा चीज़ें चेंज हो। मैंने टिंडर इसलिए इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे कजिन्स और फ्रेंड्स मेरे पीछे लगे होते थे, तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम टिंडर डाउनलोड करो, ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से लोगों ने बात बनाई हुई है। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह मिलते हैं। मेरा नाम पल्लवेशा सिकंदर है और मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से टिंडर पे हुई थी। मैंने जब टिंडर यूज़ करना स्टार्ट किया था तो सिर्फ नेटवर्किंग के लिए, मुझे एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने आइडिया दिया था कि टिंडर इज़ इन पाकिस्तान, यू कैन यूज़ इट वगैरह वगैरह, तो मैंने उस पर इस तरह से ज्वाइन किया था, कोई ख़ास इसका अलग से मकसद नहीं था। मेरा नाम फजान है, मैं 31 साल का हूँ, आई वर्क इन अ प्राइवेट बैंक और मैं अपनी वाइफ को टिंडर पे मिला था। मेरा फजान का कनेक्शन टिंडर पे इस तरह से हुआ था कि एक दिन मैं बहुत बोर हो रही थी और कोई आई थिंक रात के 4 बजे का टाइम था, मूवी नाइट थी, मेरा मूवी में ध्यान नहीं था और मैं मोबाइल में स्वाइप राइट लेफ्ट राइट कर रही थी और सारी इतनी अजीब प्रोफाइल्स आ रही थी, मैं लेफ्ट 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 किए जा रही थी और फिर फजान की प्रोफाइल सामने आई और उस पर मैंने स्वाइप राइट किया, हमारा मैच हुआ, फिर उस पर एकदम से लिखा आया कि ओ फजान लाइक्स यू टू एंड इट्स अ मैच। लेकिन पल्लवेशा की काफ़ी मिस्टीरियस सी प्रोफाइल थी, उस पर कुछ टेक्स्ट नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो और उनकी प्रोफाइल पिक्चर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगी, सो आई वॉन्टेड टू नो हर। एक दो दिन बाद ही हमने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिया था, हमने सोशल मीडिया एक्सचेंज कर लिया था। मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं किसी का सोशल मीडिया एक्सचेंज करवाऊँ सो दैट आई नो कि वो पर्सन रियल है। हमारी दोस्ती हुई, हमारी बहुत देर तक कॉन्वर्जेशन होती थी, हम एक दूसरे को अपने पूरे एक्चुअल इश्यूज ही बताना स्टार्ट कर दिया था अपने लाइफ के बारे में, तो वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन गया था एक रिलेशन स्टार्ट होने से पहले। एंड देन वन डे ही सेड दैट ही लाइक्स मी। अच्छा, पल्लवेशा के मुझे एहसास हुआ कि शी इज़ द वन, जब हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई, हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, मज़ा आता था, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होती थी, बोरियत नहीं होती थी। जब मैंने उनको बताया कि मैं इस लड़के से टिंडर पे मिली हूँ तो थोड़े से सवाल थे, कौन है, क्या है, तुम्हारी एक्चुअल मुलाकात हुई है, नहीं हुई है, तो फिर मैंने सबसे पहले अपनी बहन, भाई और भाभी को कॉन्फिडेंस में लिया था और उनको आगे कर दिया था, अब तुम लोग जानो, और फिर उन्होंने सारी चीज़ें डील की थी। अच्छा, मैंने अपने घर वालों को जब बताया कि मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ उससे मैं एक डेटिंग ऐप पर मिला हूँ, बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन था मैं ये कहूँगा, क्योंकि बहुत घर वाले सारे मेरे अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में और उनको मेरी पसंद पे भी भरोसा है। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो वैसे ही मैं थोड़ा सा उन्होंने वेट कराया हुआ था और प्लान ये था कि वंस ही इज़ हाफ वे थ्रू तब मैं घर से निकलूँगी, एंड मैं बहुत गुस्से में थी कि बहुत लेट हो गया, मैं कब से तैयार होके बैठी हुई हूँ, तो पहला इंप्रेशन तो ये था कि ही इज़ ऑलवेज लेट एंड ही इज़ स्टिल ऑलवेज लेट। अच्छा, पहला इंप्रेशन ऐसा रहा कि हमारी जब मुलाकात हुई और हमने डिनर किया साथ, तो आई फाउंड हर लिटिल शाय, शी वॉज नॉट एबल टू मेक आई कॉन्टैक्ट, और जो टिंडर वाली पल्लवेशा थी वो थोड़ी देर के लिए खो गई थी, और ऐसा ही था। जब हमने टिंडर पे स्वाइप राइट किया था तो सोचा नहीं था, एंड आज हमारी शादी हो रही है। यस।